हाय, गुड मॉर्निंग। आज 10 जुलाई और वेट कर रहे हैं कल के बिग डे की। और कल मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से वो लोग कंफ्यूज हो गए एनएमसी की लेटर को देख के, बिकॉज वो लेटर तो ये था कि हमने डिसीजन दे दिया है, लेकिन मीडिया ने उसको छाप दिया कि हो गया। और देखिए भाई, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, उनको मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि किसी चीज़ को पढ़ के उसको इंटरप्रेट ठीक से करना, ये भी तो सबके बस की बात नहीं है ना। तो बेचारे मीडिया वाले, चाहे वो NDTV वेबसाइट थी, चाहे वो किसी की भी थी, जनरली जो 95% रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया वाले हैं, 99% पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्या पता नीट क्या है, MBBS क्या है। मैं 99% की बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या पता फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, और पेपर क्या होता है, और एंट्रेंस क्या होता है, और फिर मेडिकल कोर्स क्या होता है, और कॉलेजेस क्या होते हैं। और बेचारे वो, उनको क्योंकि उनकी गलती ना, दे हैव टू कवर वेरियस टॉपिक्स। तो रिपोर्टर्स आर नॉट डोमेन स्पेशलिस्ट। तो किसी ने बोल दिया, किसी ने उनके पास भेजा होगा, देखो जी NMC ने एक लिस्ट निकाली और उन्होंने फट से कह दिया। मैं अभी गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन और मैंने सच कहा कि मैंने कहा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पता करूँगा क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है सच बताऊँ मैं, कि जिन कॉलेजों को परमिशन नहीं भी मिली है वो फ़िलहाल ना जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें मिल जाएगी, और थोड़ा सा वेट कीजिए। मतलब जिनको ना हुई है वो बता, जैसे भी जिनको हाँ हो गई है, ग्राफिक या देहरादून टाइप के, MGM, नवी मुंबई टाइप के, नेहरू टाइप के, वो तो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हाँ जी हमें मिल गई है। पर जिनको नहीं मिल रही है ना, वो बता नहीं रहे हैं। मतलब जो इनफॉर्मल रिपोर्ट मेरे पास आई है, आधे से भी कम कॉलेज को परमिशन मिला आउट ऑफ 113 एज ऑफ टुडे। और आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं अभी एक भोपाल का कॉलेज देख कर आया था, जिसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला था, एंड आई रियली होप कि उसको तो फिलहाल इस साल ना मिले, जो उसकी पोजीशन थी वो भी मिड जून में। तो वो एक साल मेहनत करे, पहले थोड़ा अस्पताल चलाए, थोड़ा सा कॉलेज पूरा तैयार करे। और सिमिलरली आपको मैंने एक दो दिन पहले बताया था कि हमारे क्लाइंट ही देख कर आया है कॉलेज हस्तिनापुर में जो खुल रहा है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आई होप कि ऐसे सभी कॉलेज की परमिशन इस साल ना मिले। पहले भाई मेहनत करो, ठीक से अस्पताल खड़ा करो, कॉलेज खड़ा करो, थोड़ा 2-4 महीने अस्पताल चलाओ और फिर ले लेना। खैर, आज का वीडियो इस टॉपिक में ना होकर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, और वो ये है कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस साल कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि नंबर की वजह से ना, बिकॉज मेरिट्स नीचे चली गई हैं, तो सेम 400 नंबर पे आपकी लास्ट ईयर जो रैंक थी उससे 1 लाख रैंक नीचे हो गई है। और डे वन से मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि रैंक देखनी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो रैंक का एग्जांपल लेंगे। लेट्स से कि आपके किसी बच्चे की, मेरे पास रैंक आई कल ही की, बता दें 480 उसका स्कोर है, तो बहुत अच्छा स्कोर है देखा जाए तो। अब 480 स्कोर पे लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल रैंक बहुत गिर गई है, तो 481 पे भी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 240,000 है। लास्ट ईयर शायद ये रैंक आराम से 1.5 लाख रही होगी 480 मार्क्स पे, तो रैंक के हिसाब से तो बढ़ गया। लेकिन अब रैंक में अगर आ जाए ना, तो मेरा ये मानना है, अब रैंक टू रैंक देखो तो कट ऑफ बढ़ने के बदले गिरेगी। दैट मींस अगर लास्ट ईयर 330,000 रैंक पे कोई कॉलेज मिला था, तो इस साल 360,000 रैंक पे मिल सकता है। इस बात की अब तसल्ली रखिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अब 90 सीटें तो देखिए हिंदुस्तान में सारी मेरिट से मिलनी है। अभी तो मैं आपको एक बार कह चुका कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड साइड डोर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। इट इज़ बेसिकली आप बात करते हैं जिन लोगों ने MRP फीस की 45,48,000 रखी हुई है, विचार मध्य प्रदेश NRI सीट्स, या ए कॉलेज ऑफ राजस्थान, या अगेन ओ कोटा सीट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट कॉलेजेस, या NRI सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ MCC। और वो लोग नेगोशिएट करके आपको एक पैकेज देते हैं जिसमें कंसल्टेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। और वही मैं आपको कहता हूँ कि चूँकि हमने कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, उनसे बल्क डील कर लेते हैं शुरू में, तो आपको एक स्पेशल रेट मिल जाता है। बट दैट डजेंट मीन समबड़ी कैन से कि मेरे पास शारदा की सीट है, मेरे पास सुभारती की सीट है। अभी कैसे हो सकती है? UP में तो एक एक सीट ट्रांसपेरेंटली मिलनी है, हरियाणा में एक एक सीट ट्रांसपेरेंटली मिलनी है, और वही जो हरियाणा की NRI सीट्स हैं इन 3 कॉलेजेस वो इतनी महंगी है नहीं। और साधु SGT बहुत महंगी है, $1,60,000 है। हमने भी उनसे बात की, वो कहते हैं सर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम कोई नेगोशिएट नहीं कर रहे।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए। फिर से कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि जो कॉलेज लास्ट ईयर 3,30,000 रैंक पे मिल गया था वो 3,50,000 पे मिल जाएगा, जबकि दुनिया आपको डरा रही है कि जो पिछले साल 3,30,000 पे मिला था वो इस साल 2,00,000 रैंक पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए भाई, जो एजेंट्स होते हैं जब वो पैनिक क्रिएट करेंगे आपके सामने, तभी तो आप बुकिंग कराओगे या कर्नाटका ओ कोटा के पैसे दोगे या मध्य प्रदेश एन आर आई सीट खरीदोगे के पैसे दोगे या आप रशिया वगैरह की भाग के बुकिंग करोगे। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आपके नंबर 200-220 हैं, बजट नहीं है, तो आपको नेपाल, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो भी कंट्री हैं जो सारे NMC के नॉर्म फॉलो कर रही है, जाना पड़ेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। या आप करियर चेंज कीजिए, BDS कीजिए, BMS कीजिए, या बिल्कुल ही चेंज कीजिए, बायोटेक कीजिए, साइकोलॉजी कीजिए। पर रैंक क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि जिनको भी सरकारी मिल रहा है वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि सरकारी इज़ फ्री फीस। अब सरकारी के बाद प्राइवेट शुरू होता है। ट्रेंड ये होता है कि हर 20 में से एक बच्चा सीट लेता है, 19 बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कॉमन ट्रेंड था। पर इस साल इशू क्या हो रहा है, जैसे कि वही जो मेरे को बहुत ट्रॉल करती है, 620 से 640 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे या 610 से 650 वाले थोड़ा और खेल सकते हैं। अब ये सब बच्चों के समझ लीजिए लास्ट ईयर होते थे 570-580-590, फिर भी अब सरकारी के पास होते थे तो आप सोचते थे मैं ड्रॉप कर लूँ। बट इस साल चाहे वो 590 वाला हो, चाहे वो 595 वाला हो, तो ये रेंज बढ़ गई है। अब बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि भाई नीट में घपला हुआ था, हम तो सरकारी कॉलेज डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम पीछे रह गए बिकॉज ऑफ लीकेज एंड ऑल दैट। सो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप करके अगले साल ट्राई करने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जब ड्रॉप करने वाले बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज लेने वाले कम हो जाएंगे। मैं रैंक टू रैंक कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा कि अगर आपके 3,00,000 रैंक है तो जो आपके ऊपर के 3,00,000 बच्चे हैं उनमें से लेट से पहले 50,000 को तो सरकारी मिल जाएगी। अब जो 2,50,000 बच्चे हैं उनमें यूजुअली होता था कि 10,000 प्राइवेट सीट लेते थे। मैं फुल फी वाली प्राइवेट सीट की बात कर रहा हूँ, जिसको कर्नाटका की सब्सिडाइज सीट मिल रही थी या आंध्रा तेलंगाना की मिल रही थी या MP में मेधावी छात्र योजनाएं मिल रही हैं, वो सब तो कॉलेज ज्वाइन कर ही लेते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ना, चूँकि इनके नंबर अच्छे हैं इस बार, तो सबको लग रहा है कि देखो जी, मैं तो सरकारी सीट डिज़र्व करता था, मेरे को सरकारी सीट इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ घपलाज एंड वट एवर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इनके अंदर इंटेंशन मैं ज़्यादा देख रहा हूँ एट अ पर्सनल लेवल ड्रॉप करने की। तो मेरा अपना मानना है कि रैंक टू रैंक आपको जो कॉलेज लास्ट ईयर 3,30,000 रैंक पे मिला था वो शायद इस बार 3,50,000 रैंक पे मिल जाए। और नए कॉलेज की जहाँ तक बात होती है, देखिए नए कॉलेज हमेशा नीचे ऐड होते हैं, अदर देन वही अगर MGM लॉन्च कर रहा है या ग्राफिक ईरा जैसा बिग ब्रांड लॉन्च कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन वो जो या गीतांजलि लॉन्च कर रहा है, लेकिन जब कोई व्यास मेडिकल कॉलेज जैसा या UP में जो कॉलेज के नाम हम सुन रहे हैं जब ये लॉन्च होंगे तो हमेशा नीचे ही ऐड होंगे। तो लेट्स से लास्ट ईयर UP में नया कॉलेज आया था SKS मथुरा, जिसका कट ऑफ सबसे नीचे थी। तो अगर जितने भी नए कॉलेज परमिशन में आएंगे वो उनके नीचे ही जाएंगे, मतलब बच्चे उनके बाद ज्वाइन करेंगे। तो मैंने अगर आपसे कहा था कि 310 पे के नीचे यूपी का आपको सस्ते वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, तो 310 के बदले वो कट ऑफ गिर के 270-275-260 पे आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कितने नए कॉलेज आते हैं, पर वो सब कॉलेज नीचे आएंगे। तो अब ये मैं सोचिए कि जिसको रोहिला खंड मिल रहा था उसके चांस बढ़ गए क्योंकि नए कॉलेज खुल रहे हैं। तो जो भी नए कॉलेज खुलेंगे वो नीचे वाले बच्चे ही उनको प्रेफर करेंगे, ना कि ऊपर वाले, है ना। तो ऊपर वाले का लॉजिक मैंने आपको दे दिया बिकॉज ऑफ ड्रॉप, और नया कॉलेज आएगा तो वो घुसेगा नीचे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ होगी ब्रॉडली। और एज ए काउंसलर सर, इतना ही हम दिमाग लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, आपको सच बताते हैं, 1-to-1 डिस्कस होती रहती है अगले 3 महीने तक विद मी ओनली डायरेक्टली। इट इज़ नॉट दैट कि एक बार आपने फीस दे दी तो फिर आप एक जूनियर स्टाफ से बात कर रहे हो। बात करने से लेके स्ट्रेटजी डिस्कशन से लेके इवन हाथ से काम करना सब मैं पर्सनली करता हूँ MBBS इंडिया की केसेस के लिए, जो हमारी कंपनी का काम है। हम और बहुत सारे काम करते हैं जिसमें मैं अपने स्टाफ का मदद लेता हूँ, बट इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि कितना क्रिटिकल चीज़ है, कितना फास्ट मूव करता है। 2-2 दिन में चीज़ें होती है, हर राउंड 10-12 दिन का होता है, 2-3 दिन रजिस्ट्रेशन के, 2 दिन चॉइस फिलिंग का, 1 दिन रिजल्ट का, 3 दिन रिपोर्टिंग का। तो वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी मूवमेंट्स इन दोज टाइम्स। तो इसके लिए मैं पर्सनली करता हूँ, और जो भी अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शायद कॉमेंट डाल के इस चीज़ को बताएँ कि पिछले 2-2.5 महीने में कितनी बार वो मेरे साथ फ्रीली डिस्कस कर चुके हैं और करते ही रहते हैं।
और उसी बात के हम चार्जेस लेते हैं, इसी वजह से हम डे वन से चार्जेस लेते हैं, क्योंकि मेरा समय भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं ना, तो सोने खाने के अलावा काम करने के लिए 10-11 घंटे बचते हैं। उन 10-11 घंटों में उन्हीं से मैं बात करना पसंद करता हूँ जो फ़ी पे करने की जज्बा रखते हैं। देखिए, हिम्मत तो सबके पास है ना, जो प्राइवेट कॉलेज 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के पैकेजेस ले रहे हैं और जब वो कॉल के भी 2.5-5 हज़ार रुपये देने में शर्माते हैं ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है उनकी साइकोलॉजिकल स्टेटस पे। और कई कुछ बच्चे ऐसे भी जो लगातार यूट्यूब पे कमेंट्स से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उनके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि दे आर गोइंग टू टेक 1.5 करोड़ वाली सीट, लेकिन उन्होंने आज तक एक बार भी ये नहीं सोचा कि 5 हज़ार की जूम कॉल लेकर ही सर से सब कुछ क्लियर कर ले जितने भी आपके डाउट्स हैं। और फुल काउंसलिंग भी अगर 50,000-75,000 भी आपको देना पड़ता है, दिस इज़ अवर मैक्सिमम प्राइस अदर देन व्हेन वी हेल्प यू टू गेट NRI सीट और द नेगोशिएशन सीट, जहाँ पर हम 1.5 लाख चार्ज करते हैं। सो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन आप 1.5 करोड़ की सीट देना चाहते हो लेकिन एजेंट को या अच्छे कंसल्टेंट को आप 5,000 या 50,000 नहीं देना चाहते, आप उसको देना चाहते हो कि बाद में दे देंगे, या जो आपको 1.5 लाख में से 5 लाख की चपत लगाएगा, तो ठीक है, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। हमको कॉल करना है तो 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। एंड जो अपने आप भी काम कर रहे हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, आप समझे कैसे होगा, नए कॉलेज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, जब ग्राफिक ईरा देहरादून जैसा ब्रांड खुलेगा तो गौतम बुद्धा देहरादून पे फ़र्क पड़ेगा, तो ग्राफिक ईरा पैकिंग ऑर्डर में ना गौतम बुद्धा के ऊपर चला जाएगा। इट विल जॉली ग्रांड गुरु राम राय, ग्राफिक ईरा गौतम बुद्धा। MGM नवी मुंबई जब खुलेगा तो महाराष्ट्र में वो JLN वर्धा, दत्ता मागे सीधा उनके ऊपर चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, जो लास्ट ईयर अमृता फरीदाबाद ने किया था। बट जब कोई सस्तनापुर का कॉलेज खुलेगा, छोटमलपुर में कॉलेज खुलेगा, तो वो नीचे ही आएंगे। ये सब बारीक डिफरेंसेस होते हैं जो मैं हर एक का बार बार वीडियो नहीं बना सकता, पर जो लोग मुझसे क्लाइंट्स बन के रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं उनको वो समझ, वो जानकारी मिलती रहती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और साथ में कल का इंतज़ार करते हैं, कल शाम तक ही आएगा रिज़ल्ट, तो सुबह से मत घबराइएगा और देखते हैं क्या होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।